हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ। वेलकम 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 टू द ग्रेटेस्ट आशा जी। थैंक यू वेरी मच। करोड़ों में एक एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर, फिलैंथ्रोपिस्ट आशा पारे। मैं आज इसलिए यहाँ आई हूँ कि ये लोग बच्चे लोग जो है जी मैम, वो अब फाइनल की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, सिर्फ 15 दिन। लेकिन ये बच्चे जो है ये हिंदुस्तान के बेस्ट बच्चे एवर है। क्या बात है। थैंक यू सो मच आशा जी, प्लीज अपने स्थान को ग्रहण कर लें और हमारे शो को एंजॉय करें। प्लीज ब्लेस अस। आशा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बुलाते हैं आज की पहली कंटेस्टेंट को, समायरा महाजन। परदे में रहने दो, परदा ना उठा, परदे में रहने दो, परदा ना उठा, जो उठ गया तो भी खुली जाए। अल्लाह हाफिज़।
बहुत अच्छा लगा, दोनों गाने जो थे मेरे, एक सैड था एक हैप्पी था, बहुत अच्छा लगा, पुरानी यादें ताज़ा हो गई, बहुत अच्छा गाया आपने, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। मुझे लग रहा है कि दुनिया हिलानी चाहिए तुम्हारी इम्प्रूवमेंट के लिए, तुम्हारी डेडिकेशन के लिए और डेफिनेटली तुम्हारे सुपर कॉन्फिडेंस के लिए। शमायरा, दुनिया हिला दी। आशा मैम जी, आप इतना सुंदर मेकअप करते हो और इतने अच्छे बाल बनाते हो, तो आपको हैवी नहीं लगता? आप एक्टिंग कैसे करते हो, कितना मुश्किल होता है आपके लिए? मेकअप तो हैवी नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ कुछ हेयर स्टाइल्स इतनी हैवी होती थी हमारे वक्त में कि वो सब कांटे इतने लगते थे कि मन करता था कि सब कांटे निकाल के भाग जाओ कहीं। मुझे याद है कि एक गाना था प्यार का मौसम में, तो उसमें एक फिश रखी थी मेरे सर में सब कर्ल्स के साथ, तो वो इतनी हैवी होती थी कि नहीं पूछो बात, ये होता था कब पैकअप हो और कब ये सब निकाल दूँ। तो ऐसे सब जब डांसेस होते थे तो करना पड़ता था। यू ऑल वर ऑल नेचुरल ब्यूटीज, मेकअप की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हो। नहीं, मेकअप तो करना पड़ता था, लेकिन एज आई सेड कि हेयर स्टाइल्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती थी, कभी कभी डेढ़ डेढ़ घंटा बैठे हुए बाल ही बना रहे हैं, तो ये ज़रा दिक्कत वाली बात थी, लेकिन वो वक्त भी निकल गया। तो चलिए बुलाते हैं अगली कंटेस्टेंट, सिंगिंग की साबू आर्यनंदा बाबू। Difficult song, huh? Very difficult. Ah.
बहुत शुक्रिया, बहुत मेरे पास शब्द नहीं है, इतनी छोटी सी लड़की और एक टेक में, और बहुत मुश्किल गाने दोनों लिए इसने, मतलब इजी नहीं था। मुझे याद है कि आए दिन बाहर के गए कि जो अभी इसने गाना गाया उसके जो आलाप थे वो इतने मुश्किल थे कि कई बार मुझे होता था मेरी सांस नहीं वहाँ तक जाती थी, और इस लड़की ने बहुत खूब बहुत खूब बहुत मज़ा आया। परफेक्ट, थैंक यू। वाओ, एज ऑलवेज तुम तो हमारी बिल्कुल रॉक स्टेडी कंटेस्टेंट हो, कभी हिलती नहीं हो अपनी जगह से चाहे कुछ भी हो जाए। आशा जी आज यहाँ हैं, मैं एक्चुअली छोटे बच्चे होते ना ये मुझे वो करने का मन कर रहा है लेकिन मैं कर नहीं सकती अभी। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, आई कांट टेल यू, बिकॉज मैं बचपन से उनकी मैड फैन रही हूँ, अभी भी हूँ। क्या जानू सजन फिल्म बहारों के सपने जी, और ये आपकी राजेश खन्ना सर के साथ आपकी पहली फिल्म थी ये। जी, राजेश खन्ना जी जब पहले आए, मतलब बहारों के सपने उनकी सेकंड फिल्म थी, और वो इंट्रोवर्ट तो पहले से थे जी, किसी से बात करना नहीं, चुपचाप रहना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम लोगों ने काम शुरू किया, कटी पतंग, आन मिलो सजना, तो उसके बाद वो ज़रा खुल गए, तो मतलब अच्छी तरह से बात बात करते थे। एक्चुअली मुझसे बहुत डरता था वो, हाँ, क्योंकि क्या था कि उस वक्त उन्होंने जस्ट बिगिन किया था ना अपनी करियर बिगिन की थी, तो वो मतलब ऐसे सहमे सहमे से रहते थे। एक बार तो वो मुझे देखकर मुंह फेर लिया, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ये क्या कर रहा है। मैंने जाके प्रोड्यूसर डायरेक्टर से कहा कि नेक्स्ट मंथ की डेट्स कैंसल्ड। उसके बाद राजेश खन्ना जी को डांट पड़ी जी, तो फिर उसने फ़ोन किया मुझे, नहीं नहीं ऐसा मेरा मतलब नहीं था, वो क्या है मैं आपसे बहुत घबराता हूँ। मैंने कहा मुझसे क्यों घबराते हो भैया, तो ऐसे हुआ था, थोड़ा सा ये झिझक थी उसमें। लेकिन आशा जी क्या ये बात सच है कि राजेश खन्ना जी की गाड़ियों पे इतनी लड़कियाँ कुछ इस कदर मरती थी कि वो लिपस्टिक के निशान हो जाते थे, और लोग जो बात करते हैं, वो दौर तो आपने देखा है, और आपकी सुपरस्टारडम और उनकी सुपरस्टारडम जब पिक्चरें आती थी, ये जो बातें हम सुनते हैं वो सच था? हाँ बिल्कुल सच था। हम लोग शूटिंग कर रहे थे कटी पतंग की, और वो बोट का गाना था, तो हमारे से शूटिंग नहीं हो पाई क्योंकि जैसे ही राजेश खन्ना ने एंट्री ली, ओहो हो जो भीड़ और जो हंगामा था उस दिन, तो शूटिंग कैंसिल करनी पड़ी। देन दे हैड टू गेट मोर पुलिस, तब जाके ये गाना पिक्चराइज हुआ। तो ये बोट वाला गाना कौन सा था आदि, तुम्हें मालूम है? जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। मुझे तो ये गाना इस वक्त सबके साथ गाने को दिल कर रहा है, क्योंकि आशा जी यहाँ है राजेश खन्ना जी की याद में, अलका जी हो जाए हो जाए। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जिस गगन तेरे बारे से जाती ना हो, उस नगर Thank you so much. अच्छा, इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, जी अलका, बहुत इम्पोर्टेंट काम रह गया है। ओह यस, आर्य नंदा ने दुनिया हिला दी। और अब आ रही है साईशा गुप्ता। क्या बात है, जुबली बेबी। जुबली बेबी इसलिए क्योंकि आपको हमेशा बेबी आशा बुलाते थे और जुबली गर्ल भी बुलाते थे इसलिए, और आप अभी भी एकदम वैसे ही क्यूट हो, एकदम बेबी की तरह।
Thank you so much. Thank you so much. क्या बात है? आशा के लिए मैंने बहुत कुछ सुना हुआ है. वैसे मैंने आप लोगों का प्रोग्राम देखती रहती हूँ मैं. थैंक यू मैम. तो पता चला कि साशा बहुत सारी चीज़ें करती रहती है. कभी वो एक्टिंग करती है, कभी वो डांस करती है. अभी भी वो गाना गा रही थी तो एक्टिंग कर रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था. लेकिन एक बात कहूँ जी, अब मैं जो कहूँगी वो आप करोगे? ओके. अच्छा, तो एक गाना है, दैया रे दैया मैं कहाँ फंसी. ओहो जी, वो करके दिखा दो. ओके ओके मैम, प्लीज आप भी जॉइन करो ना. आप आ जाओ हमको लेने. ओके
आवी बची तो ना आवे बची पापे बचा लो तसी दैया ये मैं कहा पसी अरे पसी कैसी पसी तो ना आवे बची पापे बचा लो तसी आशा जी के लिए जोरदार तालियां। Thank you.
ताली बजा रहा है। ये तीनों गाने जो है अगर आप बैठ के आराम से सुनेंगे तो इसकी लिरिक्स जो है ना वो बहुत ही सुंदर है। और ये लास्ट गाना तो कश्मीर में पिक्चराइज किया था शिकारे के ऊपर, बहुत उम्दा गाना है, वो भी नैयर साहब का गाना है, वेरी नाइस। मिस्टर रिचू कुटन, आई लव यू, ग्रेट सिंगिंग। सोर अच्छे लग रहे थे तुम्हारे। थैंक यू। अकड़ के जितनी बार भी थैंक यू कहोगे मैं तारीफ करने से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि तुम अच्छे हो। जिस तरह से तुम झुकोगे नहीं मैं सच्चाई बोलने से पीछे नहीं हटूंगा। यू आर वेरी गुड बेटा, यू आर एक्सीलेंट। और एक जगह पे तुमने ना रफी साहब की जो वो अदा थी, लुट गई जमीन गुल गया आसमां जाने मन, वो जो जाने मन तुमने किया था, ओ माय गॉड, वो जो अदा थी जो रफ़ी साहब वाली थी, वो एक छोटे से बच्चे ने एग्जैक्ट कैसे प्रिसाइसली निभाई, ओ माय गॉड। रिचू पुटन, आप जो है दोस्ती नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं है। आप बहुत छोटे हैं, ये तो बहुत बड़े भाई हैं आपके, तो ऐसे झगड़ा करना अच्छा नहीं होता है। Yes. मेरे दिल से सितम गल तूने अच्छी दिल लगी की है, ओहो की बन की दोस्त अपने दो है, तो मैं भी तुम्हें इसी बात का जवाब दे देता हूं। मैं तुम्हारी दोस्ती एक्सपेक्ट कर रहा था, तुमने मुझे और गहरा दुश्मन बना दिया है। लेकिन मेरी भी सुन लो, कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम, सनम तेरी। मिस अरुणिता खांची लाल, बताइए कि अरुणिता के अजूबों से कौन आ रहा है फेवरेट आपका? आदि भैया मेरे टीम से अभी आ रहा है मोहम्मद फैज। सौ साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सौ साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। वेरी गुड। लेते हुए ना
मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम रहने दो छोड़ो ये जाने दो यार हम ना करेंगे प्यार रहने दो छोड़ो ये जाने दो यार हम ना करेंगे प्यार खेले टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम और महबूब का जो बस लेते हुए ना मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार हम ना करेंगे प्यार रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार हम ना करेंगे प्यार गाने तीन हीरो के थे अलग अलग थे लेकिन सबसे बेस्ट था देव साहब का गाना और आप जो है वो काफ़ी कुछ देव साहब की तरह लगते हैं और एक्ट भी करते हैं तो देव साहब ऑलवेज एक स्कार्फ घूम रखते थे उनको स्कार्फ्स के बहुत शौक था तो बहुत अलग अलग टाइप के स्कार्फ्स पहनते थे तो आज मैं आपको एक स्कार्फ देना चाहती हूँ oh
मुझे तुमसे प्यार था। ये तो ऐसे ही हैंडसम है, और हैंडसम लग रहा है। My God, क्या बात है। वैसे देव साहब के साथ मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, मैंने सिर्फ 3 पिक्चरें उनके साथ की है जी मैम। और मेरी जो दोस्त है, मैं दोस्त कहूँगी लेकिन मैं उनकी एक एडमायरर भी हूँ, और मुझे लगता है शी इज़ अ वुमन ऑफ सब्सटेंस, रियल वुमन ऑफ सब्सटेंस, वहीदा रहमान। और उन्होंने सबसे ज़्यादा पिक्चरें देव साहब के साथ की है, और उनकी वो जो गाइड फिल्म थी वो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत पिक्चर थी, और वहीदा जी क्या खूबसूरत लगी है और क्या अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है। काश वो एक गाना था जो शायद मुझे करना बड़ पड़ता, तो मैं आशा पारे की तरह ही करती, वहीदा जैसे नहीं करती। वो गाना बहुत सुंदर था, आज फिर जीने की तमन्ना है। क्या बात है। मैम काश को आज सच बना देते हैं जी, जरूर सुनाइए। नहीं आपको डांस करना था उस पे, तो हम तो गा देंगे। अच्छा, हमको डांस करना पड़ेगा। ये देव साहब यहाँ खड़े हैं आज, है साफ तो हो जाए, जाओ यार हम लोग के पास क्या खड़े होगा। ओह माय गॉड, दिस इज सो एक्साइटिंग म्यूजिक। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आशा जी के लिए। थैंक यू। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा। और अब आ रहा है राजा बेटा मणि धर्मकोट। मणि, पिछले हफ्ते तुमने अपनी बहन को रक्षाबंधन के लिए गिफ्ट दिया था ना, फ्रॉक, बहुत प्यारा सा। अरे हाँ जी मैम, वो पीछे रेडी हो रही है, बुलाओ उसको। फूलों का, तारों का, सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का, तारों का, सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। कितनी प्यारी लग रही है, प्रिटी प्रिटी पिंक में। हाय क्यूटी पाई। अरे वाह, बहुत ही क्यूट लग रही है। आप पे तो बहुत जच रहा है ये ड्रेस, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भैया को थैंक यू बोलना चाहती हूँ ड्रेस के लिए। बोलो बोलो बोलो, थैंक यू। थैंक यू भैया। आँखों में नींद ना, मन में चैना है, एक हजार। और आपका जो बीच में एक दांत नहीं है ना, उसके साथ और भी जच रहा है ड्रेस। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर, कि इसको बहुत शौक था ये फ्रॉक का, ये सब चीजों का जी, तो आज इससे ज्यादा तो मैं खुश हूँ। तो इसको तुम देते रहा करो गिफ्ट। जी बिल्कुल है ना। उम्र हमें संग। एक बहुत अच्छी बात है कि भाई को याद रहा कि राखी के दिन उसको एक फ्रॉक जो उसको पसंद था पिंक कलर का, वो उसने लाकर उसको दिया, बहुत अच्छा लगा। चलिए फिर एक प्यारा सा गाना सुना दीजिए, आप चलिए मेरे साथ।
क्या बात है मनी, आशा जी कैसा लगा मैम? बहुत बहुत अच्छा लगा बेटा. आपने सीखा है कहीं, सीखा है गाना गाने के लिए? नहीं मैम. कहीं नहीं? नहीं. तो फिर आप गाना कैसे गाते थे? तो ऐसे ही गुनगुनाते रहते थे जी. बहुत खूब बहुत खूब. सीखे बगैर इतना अच्छा गा रहे हैं. ये तो बस ये ऊपर वाला ऐसा डाल देता है गले में कि पता नहीं ये कहाँ से सीख के आ जाते हैं. ये पिछले जन्म से सीख के आया लगता है. अच्छा आप जरा एक मिनट के लिए यहाँ आएंगे. आप जो है बहुत हैंडसम भी हैं. आप गाते भी बहुत अच्छा और आप लगते भी बहुत अच्छे. और मुझे लगता है आप कुछ धर्मेंद्र जी जैसे दिखते हैं. आपकी आंखें जो है ना उसमें शरारत है जैसे धर्मेंद्र जी की आंखों में है. तो एक गाना हो जाए धर्मेंद्र जी का. मैं कहूँ कौन सा? साथिया. गाओगे? प्रभु यहां पधारिए. गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली में
हमको तो आपका भजन सुनना था, लेकिन आपने तो मेरे गाने गाए। इसके लिए ऐसे करते हैं कि आप इधर आइए, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। उस गली से हमें तो गुजरना नहीं जो। प्रांजल, बहुत नसीब वाले हो तुम, आशीर्वाद मिल रहा है आशा जी का। कहाँ हो? अरे मेरा तो है ही सदा सदा से। गॉड ब्लेस यू। अब आ रहे हैं चैतन्य वैश। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। बस एक निगाह
ये इसलिए मैं उठी कि लास्ट वीक आपने जो गाना गाया था वो छोटे बच्चे के साथ, शुएब के साथ, हाँ, वो इतना अच्छा था. थोड़ा सा मतलब क्लासिकल था उसमें और सारे गम जो लगाए थे वो हो, बहुत मज़ा आया था. उसके लिए मैं उठ के तालियां बजा रही थी. और अभी भी आपने जो दोनों गाने गाए बहुत बहुत अच्छे थे. कॉन्ग्रेचुलेशंस, और उम्मीद है कि आप फाइनलिस्ट में और भी आगे बढ़ जाए. दुनिया हिला दी. मेरा दिल कर रहा है इन सबके हाथ में एक एक ट्रॉफी पकड़ा दूं. किसका निशान महफ
महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.